नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आप सभी अपने जीवनकाल में बहुत ही अच्छे होंगे। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप अपने जीवनकाल में बहुत ही स्वस्थ होंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब आप सभी का जीवन बिल्कुल ही शेर की तरह दहाड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों आने वाले 24 घंटों के अंदर दोस्तों आप सभी की राशि में, आप सभी की कुंडली में दोस्तों यश में भगवान शनिदेव के शश योग का निर्माण हो चुका है, जिनके कारण दोस्तों सुख समृद्धि योग और दोस्तों धनलक्ष्मी योग का भी निर्माण आप सभी की राशि में होने वाले हैं। हाँ जी दोस्तों, यश में आपकी राशि में कार्य सिद्धि योग भी बनने वाले हैं, जिनके कारण दोस्तों आप सभी का किस्मत बिल्कुल ही हीरे की तरह चमकने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यह समय आप सभी का भाग उदय का समय साबित होने वाले हैं। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यश में भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आप सभी को आपके कर्मों के 5 बड़े फल मिलने वाले हैं। जी दोस्तों, एक प्रकार से कहें 5 अचानक से ऐसे बड़े बदलाव आप सभी के जीवन काल में अगले 24 घंटों के अंदर होने वाली है। दोस्तों सुनकर आप सभी का होश उड़ जाएगा और दोस्तों जब आप इन्हें सुनेंगे तो दोस्तों आप खुशी से उछल पड़ेंगे। ये खुशखबरी ही कुछ ऐसी है कि दोस्तों आप सभी के जीवन काल को ये बिल्कुल ही 4 चांद में बदल देंगी। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों अगले 24 घंटों के अंदर आप सभी का जीवन बिल्कुल ही शेर की तरह दहाड़ने वाली है। बिल्कुल ही आप शेर की तरह राजा बनोगे। जी हाँ दोस्तों, घरों की स्थिति कुछ ऐसी बनी है जो दोस्तों आप सभी के जीवन काल में बड़ी बड़ी खुशखबरी देने वाली है। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के अंदर आप सभी को कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, कौन कौन सी बड़े आप सभी को संकेत मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूरे ही विस्तार से भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आप सभी को अगले 24 घंटों के अंदर जो भी बड़ी घटनाएं हैं दोस्तों वो घटना होकर रहेंगी। और दोस्तों ये घटनाओं को दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। और दोस्तों अगर आप रोकना भी चाहेंगे तो दोस्तों आप खुद ही रोक सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जो बात बताएंगे दोस्तों अगर आप उन्हें नहीं सुनेंगे तो दोस्तों जाने अनजाने में आप इन घटनाओं से वंचित रह सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लेंगे तो दोस्तों इस बात की फुल गारंटी है कि कल से आप सभी के जीवनकाल में आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने वाले हैं। यश में आपके ग्रहों में कार्य सिद्धि योग का जो निर्माण है आपके कार्य में बहुत ही बड़ी बड़ी सफलताएँ दिलाने वाले हैं। साथ साथ दोस्तों यश में राजयोग और जो धनयोग का निर्माण है भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपको 5 बड़े फल मिलने वाले हैं। एक प्रकार से कहें तो दोस्तों 5 बड़ी खुशखबरी आपको यश में मिलने वाली है, जिनसे दोस्तों आप सभी का सारा जो समस्या है उनका विनाश होगा और दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में खुशियों की आगमन होने वाले हैं। जी दोस्तों, यश में आप सभी का घर परिवार खुशियों में शराबोर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, परंतु कुछ बातों को लेकर अगले 24 घंटों में आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि दोस्तों घरों की स्थिति बहुत ही प्रबल होते जा रही है और दोस्तों समय धीरे धीरे बीतता जा रहा है। जितना देर आप करेंगे उतना ही देर आपको समझने में लगेगा। इसलिए दोस्तों सभी काम को छोड़कर आज के इस वीडियो को आप अंत तक ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों जो हम संपूर्ण सटीक राशिफल आप सभी को देने वाले हैं अगले 24 घंटे की, दोस्तों वे आपके जीवनकाल में खुशियों की वह लहर को लेकर आएंगे जो दोस्तों आपने कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। और दोस्तों अगले 24 घंटों के अंदर जो बड़े परिवर्तन आप सभी के जीवनकाल में आने वाले हैं दोस्तों देखकर दुश्मन भी कहेंगे वाह क्या नसीब है। और दोस्तों आपके आसपास के सभी लोगों में यश में बिल्कुल ही हड़कंप मच जाएगा। आपको जो तरक्की मिलने वाली है दोस्तों आपके जलने वालों को यश में वह रुलाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लोग पिछले कई समय से आपकी बर्बादी का इंतजार कर रहे थे दोस्तों यश में वह खुद बर्बाद होने वाले हैं। आपकी सफलता की नाव यश में तैरने वाली है, परंतु दोस्तों आप सभी को यश में जो हम सावधानियां बताने वाले हैं दोस्तों उन्हें आप बिल्कुल ही ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों आप अगर सावधानियों को रखेंगे तो दोस्तों अगले 24 घंटों के अंदर जो ग्रहों की स्थिति है दोस्तों उनका आप भरपूर लाभ ले पाएंगे। तो वह दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गवाए। सर्वप्रथम दोस्तों जो भी कर्मदाता भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त हैं दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा।
साथ ही साथ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। आप सभी को बता दें कि दोस्तों आपकी राशि के लाखों की संख्या में लोग इस चैनल पर जुड़ चुके हैं, और दोस्तों अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। रोजाना राशिफल आप सभी के राशि से जुड़े सभी वीडियो इस चैनल पर लेकर आते हैं, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि अगले 24 घंटों में आप सभी के जीवन काल में आपको कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, कौन से ग्रहों की स्थिति होने वाली है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से यश में अगले 24 घंटों में आप सभी की किस्मत में जितने भी आपको लाभ मिलना है दोस्तों वो आपको मिलने वाली है। यश में आपकी समस्त मनोकामनाएं एक प्रकार से कहें तो दोस्तों वह पूर्ण होने वाली है। भगवान शनिदेव का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर दोस्तों यश में पड़ चुका है। अजय दोस्तों जिस प्रकार दोस्तों आपने पिछले समय मेहनत किए हैं उसी प्रकार यश में आपके जीवनकाल में खुशियों की लहर आने वाली है। खुशियों के बड़ी उड़ान यश में आप उड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यश में आपको बता दें कि आप जो भी कार्य की योजना बनाएंगे दोस्तों उनको आप बिल्कुल ही सावधानी पूर्वक बनाएं। यश में आपकी योजना बिल्कुल ही सफल होने वाली है, उनमें आपको लाभ बिल्कुल ही मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों किसी के कहने पर आप किसी में पैसे को इन्वेस्ट मत कीजिएगा, इनसे दोस्तों आपकी जो भी योजनाएं हैं वह दोस्तों असफल हो सकती है और धन को आप यश में खो सकते हैं। इसलिए दोस्तों यश में इन बात का ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों एक और महत्वपूर्ण सावधानी हम आपको बता दें कि यश में आप किसी के साथ भी पैसे की लेन देन ना करें। दोस्तों अगर आप किसी को पैसे उधार दे रहे हैं तो दोस्तों यश में आपको बिल्कुल ही सावधान हो जाना है, क्योंकि पैसा आपका फंस सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत दोस्तों हम आप शिव को बता दें कि यश में आपके लिए आपके कार्य क्षेत्र के लिए समय अत्यंत लाभप्रद है। यश में आपको आपके कार्य क्षेत्र में लाभ मिलेगा और दोस्तों जितना आप चाहते थे दोस्तों आपको उतना लाभ यश में मिलने वाले हैं। घरों की जो स्थिति है यश में दोस्तों बहुत ही प्रबल है, इसलिए दोस्तों इनका यश में आप सदुपयोग करें। समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप शिव को बता दें कि यश में संतान की भी इनकम होने से घर में खुशी का वातावरण रहेगा। यश में संतान की तरफ से आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है, कोई ऐसे सुख मिल सकता है। जो लोग पिछले कई समय से संतान की प्राप्ति के लिए बहुत ही अचूक उपाय कर रहे थे दोस्तों यश में उनकी मेहनत रंग लाएगी। यश में आपकी संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। आपके क्रिय संबंधी आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जी दोस्तों, अगर आप लोग नौकरी करते हैं, बहुत समय से आप नौकरी की तलाश कर रहे थे, तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि नौकरी से संबंधित यश में आप सभी को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आप सभी को बता दें कि दोस्तों जिन लोगों की सपना बाहर जाकर कमाने का था दोस्तों यश में उन सभी का सपना सच होने वाले हैं। और दोस्तों जो लोग पढ़ाई के क्षेत्र में जुड़ रहे थे या फिर जुड़ना चाह रहे थे, तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि यश में पढ़ाई से संबंधित कोई महत्वपूर्ण खुशखबरी आपको मिल सकती है। आपको संतान खुशखबरी देगा। जी हाँ दोस्तों, समय आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है जैसे कि दोस्तों हीरे होते हैं। जी दोस्तों, बिल्कुल हीरे की तरह आप सभी का समय है, और अगर आप इस समय का सदुपयोग करेंगे तो दोस्तों आपका भी किस्मत बिल्कुल ही हीरे की तरह चमकेगा। आपका भी आने वाला समय बिल्कुल ही हीरे की तरह चमकने वाला है। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाले समय में आपके घर परिवार में मांगलिक कार्यों की रूपरेखा बनेगी। दोस्तों यश में आप नया वाहन की खरीदारी कर सकते हैं, नए मकान की खरीदारी कर सकते हैं, या फिर दोस्तों कोई प्रॉपर्टी लेने की आप सोच रहे थे तो दोस्तों यश में आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। जी दोस्तों, ये जो समय है ग्रहों की स्थिति बहुत ही शुभ है, इनमें आपको दुगुना लाभ पहुँचने वाला है। जी दोस्तों, आपकी जो भी इच्छाएं पिछले कई समय से थी, जो भी इच्छाएं पिछले कई समय से रुके हुए थे दोस्तों यश में वो इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। आप सभी को बता दें कि आपके बहुत सारे रुके हुए कार्य यश में बनने वाले हैं। यश में आपको समय का भरपूर साथ मिलने वाले हैं। यश में आपकी तरक्की को देख कर दुश्मन जलने वाले हैं। आप यश में हर जगह सफलता के झंडे गाड़ने वाले हैं। जो लोग आपसे पिछले कई समय से जलते थे दोस्तों यश में वो लोग जल भुनकर खाक हो जाएंगे। आपकी सफलता को देखकर यश में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपसे ईर्ष्या भी करने वाले हैं, परंतु यश में आपको बस इतना सावधानी बरतनी है कि ऐसे लोगों की बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है।
अगर आप ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान देंगे जो आपको आपकी निंदा करता है, तो दोस्तों और वह इंसान आपकी निंदा करेगा। और अगर आप उनकी बातों को नहीं सुनेंगे, इग्नोर कर देंगे, तो दोस्तों वो भी आपको भूल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, आपको बस ऐसे लोगों का ख्याल अपने मन में बिल्कुल भी नहीं लाना है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों हम आप शिव को बता दें कि अश्मी जो खुशखबरी आपको मिली है, इनमें आपका कर्म है, घर परिवार के आशीर्वाद है। शादी साथ दोस्तों, आपको यश में जितना आप संभव हो सके दोस्तों गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों की आप मदद करें, जितना आपसे हो सके दोस्तों आप ज़रूर कीजिएगा। ये नहीं कि आपको बहुत ही ज़्यादा करना है, जो चाहे 2, 5, 6 रुपये आपको यश में किसी गरीब और असहाय व्यक्ति को दान करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों समय का भरपूर साथ आपका है। और यश में आप दान पुण्य करेंगे तो दोस्तों आपकी जो भी योजनाबद्ध है, जो भी योजनाबद्ध कार्य हैं दोस्तों, वो योजनाबद्ध तरीके से ही पूरे हो जाएंगे। और दोस्तों सभी कार्यों में आपको यश में सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है। ये दोस्तों यश में अगर आप पिछले समय से कार्य कर रहे हैं तो दोस्तों यश में आपके कार्य में बढ़ोतरी हो सकती है, पदोन्नति आपको मिल सकती है, बॉस आपके कार्यों की सराहना कर सकता है। दोस्तों यश में जो कार्य आप करेंगे खुद पर आप गर्व तो महसूस करेंगे ही, साथ ही साथ दोस्तों यश में आपके समाज में आपका नाम, आपका इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। इसे दोस्तों घर परिवार कई लोग आप पर गर्व महसूस करेंगे। जी दोस्तों, घर के बड़े बुजुर्ग व्यक्ति यश में आपकी कार्यों की सराहना कर सकते हैं, जिससे दोस्तों घर में आपका मान सम्मान और बढ़ जाएगा। और आपको जो दोस्तों यश में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लोग दोस्तों आपके मुँह पर नहीं बोलते हैं, लेकिन दोस्तों आप शिव को बता दें कि वो अपने घर में भी आपके जो ये कार्य है उनकी प्रशंसा करेंगे, आपकी जो काबिलियत है उनकी प्रशंसा करने वाले हैं। जी दोस्तों, जो भी युवा वर्ग व्यक्ति है यश में आपके लिए करियर को लेकर संघर्षपूर्ण समय रहेगा। जी दोस्तों, पिछले समय से जो व्यक्ति पूरे संघर्ष कर रहे थे, यश में आपको खुशखबरी की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित, रोजगार से संबंधित जो भी लोग हैं, उन लोगों को रोजगार के कुछ ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जिनसे आप शिविक आने वाला अवसर सुधरने के राह पर निकलेंगे। जी दोस्तों, यश में आपको निश्चित इन राहों पर चलना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सफलता आपको मिलेगी। और आपका जो सपना है, जो सपने को आप देख रहे हैं, जिन्हें जिनकी चाह लेकर आप दोस्तों तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, वे सारे आपके सपने साकार हो जाएंगे। बस दोस्तों कोई भी कार्यों को ना छोड़ें, अपने जीवनकाल में अपने मेहनत को आप बरकरार रखें। जी दोस्तों, ये जो समय हैं आपके जो भी कार्य हैं दोस्तों, वे अपने आप पूरे नहीं होंगे, बल्कि दोस्तों उनमें आपको थोड़ा सा ध्यान भी लगाना होगा। ये दोस्तों किसी और के ऊपर अपने कार्य को बिल्कुल ही आप ना सौंपें, इनसे दोस्तों आप शिविर के जीवनकाल में आपको थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। अगर आप अपने कार्यों की जांच परख करके किसी और के हाथ में देंगे तो दोस्तों वह कार्य आपका सफल होगा। ये दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दें कि दोस्तों अगर आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर रहे हैं या फिर दोस्तों किसी नई जगह जा रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि दोस्तों आपके लिए आने वाले समय में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होगा, तो दोस्तों ऐसी बातों की जो दोस्तों किसी के आगे जिक्र ना करें। जी दोस्तों, इन बातों को गुप्त तरीके से आप अपने ही पास रखें। और साथ साथ दोस्तों कोई नए कार्य की शुरुआत करना चाहते थे तो दोस्तों यश में आप उनकी शुरुआत करें, समय बहुत ही अच्छा होगा। और दोस्तों अगर आप कार्य कर रहे हैं तो दोस्तों गुप्त तरीके से ही कार्य करें, किसी के भी आपको सामने ये सब चीज़ें जाहिर करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वक्त आने पर आपकी कार्यों की वो सराहना होगी जो दोस्तों आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। जी दोस्तों, तो इसलिए इसमें आपको सभी बातों को गुप्त ही रखना है। जी दोस्तों, इससे आने वाला समय आपका बहुत ही सुरक्षित रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यश में आपका जो समय होगा आपके लिए बहुत ही अच्छा समय होगा। जी दोस्तों, लेकिन आपको कुछ ऐसे बेरोपीय इंसान से बचना होगा जो कि दोस्तों आपके साथ रहकर आपके बहुत सारी कमजोरियों की पता लगाते हैं और आपके ही ऊपर वो वार करते हैं। जी दोस्तों, पिछले कैश में आपके अपने ही लोग आपको बहुत सारे कार्यों में घाटा दिलाए हैं, बहुत सारे चीज़ों में आपको धोखे भी दिए हैं, जिनसे आपका मन भी खिन्न हुआ है, कार्य भी आपके भंग हुए हैं, जिनसे घर परिवार में भी कलह की स्थिति बनी है, जिनसे दोस्तों पेशी की समस्या भी आपके जीवनकाल में बढ़ गई है। जी दोस्तों, इसलिए दोस्तों यश में आपको ऐसे लोगों से बचना होगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके साथ है तो समय में आपको बहुत ही अच्छी खुशखबरी मिलेगी, बहुत ही अच्छे आप लाभ को यश में कमा पाएंगे।
लेकिन दोस्तों ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना होगा, वरना दोस्तों ये लोग फिर से आपका फ़ायदा उसी प्रकार उठाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वैसे में दोस्तों आपका समय बहुत ही अच्छा है, आपको हर कार्यों में ऐसे में सफलता मिलने वाली है। जिस कार्य में आप हाथ लगाएंगे दोस्तों, वो कार्य यश में आपके हाथों से सफल होगा। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यश में अपने आप ही आप अपना कदम को बढ़ाएं, किसी की सहायता लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। जी दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों यश में इस भ्रम को आप तोड़ें और दोस्तों कार्यों की शुरुआत करें। जी दोस्तों, अगर आप यश में कोई नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, तो दोस्तों यश में वो कार्य सफल होंगे और सफलता के झंडे आप उस क्षेत्र में गाड़ने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हम आप शुभ यह बात बता दें कि दोस्तों यश में आप कोई भी काम करें तो दोस्तों बहुत ही सरल भाव से काम करें। किसी भी नए कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो दोस्तों मन में आपको शांति भरा माहौल रखना है। साथ ही साथ दोस्तों, अपने यश में वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। जी दोस्तों, आपको यश में दयालु प्रवृत्ति रखनी होगी, इनसे दोस्तों आपको बहुत सारे सहयोग भी मिलेंगे। हालांकि दोस्तों आप सहयोग नहीं भी मांगेंगे तो दोस्तों यश में आपको सहयोग लोग करेंगे आपके स्वभाव के कारण। तो दोस्तों स्वभाव में यश में आपको बिल्कुल ही दयालु प्रवृत्ति का स्वभाव रखना है। जी दोस्तों, आपको किसी भी कार्य को लेकर चिड़चिड़ा पर महसूस नहीं करना है। जी दोस्तों, क्रोधित बिल्कुल भी नहीं होना है, अन्यथा दोस्तों आपके कार्यों में विनाश का कारण ये क्रोध बन सकता है। इसलिए दोस्तों आपको बता दें कि यश में बस आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, अपनी वाणी पर यश में आपको संयम बनाकर रखना है। ये दोस्तों सफलता आपको यश में अवश्य ही प्राप्त होगा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि यश में आपके जो भी गलत व्यवहार होंगे, इसके चलते आपके बहुत सारे बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो बिखर जाएंगी। तो दोस्तों यश में आपको अपने व्यवहार को बिल्कुल ही शुद्ध बनाकर रखना है, बिल्कुल ही सही तरीके से अपने व्यवहार को रखना है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यश में अगर आप पेशे की लेन देन कर रहे हैं, तो दोस्तों यश में आपको सावधान रहना होगा। दोस्तों इस बात को लेकर आपको बताएं कि दोस्तों पेशे की लेन देन यश में आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। तो दोस्तों यश में आपको पेशे की लेन देन भूल कर भी नहीं करना है। साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यश में आपको कौन से महत्वपूर्ण उपाय को करना चाहिए। दोस्तों यश में आपको अपने घर में बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति के प्रति स्वभाव बहुत ही अच्छा रखना है, किसी की दोस्तों यश में अवहेलना नहीं करना है। दोस्तों प्रभु के बनाए इस धरती पर जो भी जीव जंतु है, दोस्तों सभी के प्रति आपको दयालु प्रवृत्ति रखना है। दोस्तों किसी को चोट पहुंचाने की आपको गलती नहीं करनी है, किसी भी जीव जंतु की, किसी भी जानवर की अवहेलना नहीं करना है, ना ही मारना पीटना है। अगर आपके द्वार पर कोई ऐसे जानवर आ जाए तो दोस्तों उन्हें आपको ज़रूर ही कुछ अन्नदान करना चाहिए, उन्हें ज़रूर ही कुछ खिलाना चाहिए। जी दोस्तों, अगर आप नहीं भी खिलाते हैं तो अगर वो आपके द्वार पर आए हैं तो दोस्तों आप उन्हें छोड़ दीजिएगा। दोस्तों ऐसा नहीं कि आपके द्वार पर आए हैं तो दोस्तों आप डंडे मारकर उन्हें द्वार से दूसरी साइड भगा देते हैं। दोस्तों ऐसा गलती भूल कर भी मत कीजिएगा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि हमेशा हिंदू धर्म में ईश्वर इसी तरह अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। जब भी आपके जीवनकाल में संकट चल रही होती है तो दोस्तों अक्सर ऐसा आपके जीवनकाल में होता है, जब ईश्वर की दिव्य शक्ति आपके द्वार पर भेष बदल कर आती है, आपसे कुछ बात करना चाहती है, आपसे कुछ वो सहयोग लेना चाहती है। तो दोस्तों अगर आपके पास कुछ हो तो दोस्तों उन्हें सहयोग कीजिएगा, अन्यथा दोस्तों अगर ना हो, अगर आप असहमत हैं तो दोस्तों उन्हें धुतकारिएगा भूल कर भी नहीं। इससे दोस्तों आपका कर्म बिल्कुल ही अच्छा होगा, आपके कर्मों में जो भी आपकी गलती है दोस्तों वो सुधर जाएगी और कर्म फिर से आपका बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यह समय आपके लिए जो समय है, आपके प्रेम संबंधों के लिए जो समय है, बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। प्रेम संबंधों में यश में प्रगाढ़ता आएंगी, प्रेम संबंध के लिए आपका समय बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि पति पत्नी के बीच कोई नोकझोंक पिछले कई समय से चल रहे थे तो दोस्तों यश में वो जो नोकझोंक है थोड़ी सी प्रयास से दूर हो जाएंगी, बस आपको कोशिश करना है। जी हाँ दोस्तों, प्रेम संबंधों में मधुरता फिर से आपके पास वापस लौटने वाली है और आपको अपने प्रेम का भरपूर सहयोग मिलेगा, जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। आपको हम यह भी बताना चाहेंगे कि यश में आपको डिसिप्लिन में भी रहना है। जीवनसाथी के साथ कुछ भी बात करेंगे तो दोस्तों आपको सोच समझ कर ही बात करना है, उनकी भावनाओं की आपको कदर करनी है।
जी दोस्तों, तभी दोस्तों आपके भी शायद उतना ही इज्जत रहेगा जितना दोस्तों आप चाहते हैं। जी दोस्तों, ऐसा नहीं कि दोस्तों वो आपको क्षमा दे रहा है तो दोस्तों आप उन्हें इग्नोर कर दें। दोस्तों ये सब गलती अक्सर रिश्तों को तोड़ देती है, तो दोस्तों इन सभी बातों को आप ध्यान रखें, उनकी भी भावनाओं की कदर करें, उनके भी बातों को सुनें और दोस्तों मिलकर आप हर कार्यों को करें। इनसे दोस्तों आप सभी का घर का माहौल, आपका प्रेम संबंध बिल्कुल ही खुशनुमा रहेगा। हालांकि दोस्तों ग्रहों की स्थिति जो है, आपका घर पारिवारिक माहौल मनोरंजक भरा रहेगा। कोई उपहार संबंधी कार्य को आप ले सकते हैं, किसी को कोई उपहार आप गिफ्ट कर सकते हैं। जे दोस्तों हो सकता है आप किसी नए संबंध में जा रहे हैं और उन्हें कोई उपहार आप गिफ्ट कर सकते हैं। इससे दोस्तों आप सभी का जो प्रेम संबंध है उनमें प्रगढ़ता आएंगी, दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी और दोस्तों घर परिवार में खुशियों भरा माहौल रहेगा। दोस्तों ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि जो लोग विदेश में बिजनेस करने की सोच रहे थे, तो दोस्तों यह समय आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। विदेश से आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन दोस्तों यह समय आपको सावधानी रखनी होगी कि दोस्तों आपके जो भी सहयोगी व्यक्ति हैं उनको वो आपको चोट पहुंचा सकता है। इसलिए दोस्तों जब भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो दोस्तों इस बात की खबर आप किसी को भी ना दें। जब तक आपका कार्य सफल न हो जाए दोस्तों इसके बारे में किसी को भनक तक ना होने दें। बस दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, बाकी आपके लिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। घरों की स्थिति भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी दोस्तों समय का आपको साथ मिल रहा है, नौकरी संबंधी सारे कार्य आपका सफल होगा। साथ ही साथ दोस्तों हम आप शिव को बता दें कि यश में बस आपको अपने जीवनकाल में यह करना है कि जो भी कार्य कर रहे हैं उनमें पूरे फोकस के साथ करें, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यश में आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ही उत्तम रहने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर आपकी जो चिंताएं थी दोस्तों यश में खत्म होने वाली है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यश में मौसम की वजह से आपको थोड़ी सी एलर्जी हो सकती है, आप थोड़ी सी दिक्कत भरा महसूस कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों चिंता करने की आवश्यकता नहीं, समय के साथ यह एलर्जी आपकी दूर होगी। बस आपको अपने खान पान के प्रति ध्यान रखना है, समय पर पानी पीना है और साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि जंक फूड से आपको दूर रहना है, तेली खाने से आपको अपने शरीर को दूर रखना है। इसे दोस्तों आपके सारे शारीरिक रोगों से आप मुक्ति पाएंगे। जी दोस्तों हम आपको एक सरल उपाय बताते हैं। दोस्तों जब भी आप सुबह के वक्त उठते हैं तो सर्वप्रथम दोस्तों आपको अपने जीवनकाल में मेडिटेशन करना चाहिए। नियंत्रण दोस्तों आपको यश में योगा करना चाहिए, इससे आपका जो भी स्वभाव है वो दोस्तों बिल्कुल ही शुद्ध और संतुष्ट रहेगा। आपका मानसिक शांति यश में एक अलग ही लेवल तक जाएगा। तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो।